हेलो फ्रेंड्स, को दौरान चना स्पोर्टिंग क्रिकेट में साथ में आपको क्रिकेट अपडेट खराब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चना फाइव में क्या चना फाइव की बलकम को ऐस कीजिए तो आपको वीडियो मिल सके। पहले बड़ी खबर कब करके निकल के आ रही है, दिनेश कनेरा के वाले की बड़ी खबर। दिनेश कनेरा के मुताबिक जो पाकिस्तान की टीम है उनको सीखना चाहिए दीपक चहर से। उनके मुताबिक दीपक चहर ने जिस तरह की बल्लेबाजी दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ की, उनके मुताबिक इससे पाकिस्तान की टीम को कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान की टीम को इसी तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की टीम बहुत ही बेहतरीन टीम बन जाएगी। उनके मुताबिक देखा जाए दीपक चहर एक गेंदबाज है, उसने इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि टीम को जीत दिलाकर ही वापस आए। उनके मुताबिक उनसे यानी पाकिस्तान के बैट्समैनों को कुछ सीखना चाहिए दीपक चहर से, कहना है दिनेश कनेरिया का। और दूसरी बड़ी खबर का उकर खबर निकल के आ रहा, बात की जाए तो लेजेंडरी स्पिनर अगर देखा जाए तो एक तरह से लेजेंड श्रीलंका का सबसे बेहतरीन, अगर देखा जाए पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट मैचेस में 800 विकेट लेने वाले मथाया मुरलीधरन के मुताबिक श्रीलंकन टीम भूल चुकी है कि वो यानी जीत क्या होती है। उनके मुताबिक काफ़ी समय हो गया कि इंग्लैंड की यानी माफ कीजिएगा श्रीलंका की टीम को जीते हुए। उनके मुताबिक देखा जाए तो श्रीलंकन टीम को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो फिर से यानी जीत की पटरी पर वापस आ जाए। उनके मुताबिक यानी श्रीलंकन टीम बिल्कुल भूल चुकी है कि जीत यानी जीता कैसे जाता है। उनके मुताबिक आने वाले समय में अगर इसी तरह से रहा तो श्रीलंकन क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। उनके मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट को सुधार की बहुत ही ज़रूरत है, कहना है मथाया मुरलीधरन का। और तीसरी बड़ी खबर का कर कमने कल क्या है, राहुल द्रविड़ के औसत की बड़ी खबर। राहुल द्रविड़ के मुताबिक इंडियन टीम चैंपियन टीम है। उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो इंडियन टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम है और ज़बरदस्त हर एक खिलाड़ी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझता है। उनके मुताबिक देखा जाए जिस भी खिलाड़ी को जिस भी पोजीशन पे यानी बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाए या गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए, उनके मुताबिक हर एक खिलाड़ी 100% देने की पूरी कोशिश करता है। उनके मुताबिक इंडियन टीम एक चैंपियन टीम है और आने वाले समय में ICC T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम जीत सकती है। और उनने ये भी बताया कि इंडियन टीम को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा इन युवा खिलाड़ियों से मिलेगा, कहना है राहुल द्रविड़ का। और चौथी बड़ी खबर का उकर कम निकल के आ रही, इंग्लैंड की टीम के हवाले से की बड़ी खबर। बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली उसके बाद इयान मॉर्गन के मुताबिक स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले ही कहा था कि ICC वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा इंग्लैंड की टीम के ज़्यादा जीतने के ज़्यादा चांस है। उनके मुताबिक उनने पहले ही तारीफ की है और उसी के यानी ज़बरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ हम ICC वर्ल्ड कप में जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है उसी तरह की हम क्रिकेट दिखाएंगे और ICC वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा उसमें किसी भी हाल में जीतने की कोशिश करेंगे। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कहा था कि यानी ज़्यादा चांस इंग्लैंड की है ICC वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त सबसे बेहतरीन टीम इंग्लैंड टीम है और जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इंग्लैंड की टीम के पास है किसी भी टीम के पास नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा था। और उसके बाद इयान मॉर्गन के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके ICC वर्ल्ड कप को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, कहना है इयान मॉर्गन का। और पांचवी बड़ी खबर का उकर कम निकल के आ रही, भुवनेश्वर कुमार के औसत की बड़ी खबर। भुवनेश्वर कुमार के मुताबिक दीपक चहर को तब भी पता नहीं था कि उनकी यानी अपोजिशन नंबर 7 पर रखी जाएगी। उनके मुताबिक जब नंबर 6वां बल्लेबाज आउट हुआ उसके बाद नंबर 7 की बल्लेबाजी आनी थी, लेकिन उसको तब भी पता नहीं था दीपक चहर को कि उसको बल्लेबाजी आएगी। और राहुल द्रविड़ ने उसको कहा था कि वो बिल्कुल तैयार रहे और वो उसको बल्लेबाजी ज़रूर आएगी और उनको नंबर 7 पर भेजा गया और उनके मुताबिक दीपक चहर ने यानी ये एक्सेप्ट किया और वो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने गए। उसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी दीपक चहर ने की तो आने वाले समय में हो सकता है भुवनेश्वर कुमार के मुताबिक कि अब यानी दीपक चहर नंबर 7 पर ही बल्लेबाजी आने वाले समय में भी करे और इंडियन टीम को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा दे, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से पहले दीपक चहर को यानी इंडियन टीम में ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जिस तरह की बल्लेबाजी दीपक चहर ने की तो आने वाले समय में दीपक चहर का यानी नंबर 7 या नंबर 6 पर भी बल्लेबाजी करने का मौका दिया जा सकता है, कहना है भुवनेश्वर कुमार का। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल 5G बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आपके वीडियो में सके, थैंक यू।